तो दोस्तों आज फाइनली हम लोग करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro का एक PUBG गेमिंग टेस्ट। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि इनिशियली मेरा भी प्लान था कि अनबॉक्सिंग वीडियो के बाद सबसे पहली वीडियो में ये वाली बनाऊं, बट फॉर सम रीजंस ये वीडियो डिले होती गई। तो आज हम लोग एक 60 FPS PUBG गेमिंग टेस्ट करेंगे Redmi Note 10 Pro का। और आप में से जो लोग सोच रहे हो कि मैंने 60 FPS को कैसे इनेबल किया, तो यार इस फोन में हमें Snapdragon 732G का चिपसेट मिलता है, जो कि मैक्सिमम PUBG में हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा फ्रेम रेट दे सकता है। लेकिन एक्सटर्नल टूल का यूज़ करके मैंने एक्सट्रीम फ्रेम रेट को भी इनेबल किया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली मुझे। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखनी है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस है और आप भी इसको कर सकते हो। सो विद दैट सेट इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। 30 मिनट तक मैं PUBG खेलूंगा और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम फ्रेम रेट में। FPS मीटर भी मेरा ऑन रहेगा और इस टाइम में जो भी बैटरी ड्रेन आएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो Redmi Note 10 Pro है मेरे पास। इसके ग्राफिक्स अगर आपको मैं दिखाऊं तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, बैलेंस्ड एक्सट्रीम, HD एक्सट्रीम और HDR एक्सट्रीम का भी हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में खेलेंगे और आपको स्क्रीन पे FPS मीटर भी नज़र आ रहा होगा। दोस्तों साथ में मैं टाइमर को भी यूज़ करूँगा। तो अगर फ़ोन की बैटरी में आपको दिखाऊँ तो इस वक्त फ़ोन है 69% पे और ऑलमोस्ट 5:15 होने वाले हैं। तो टाइमर को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला मैच होगा वो एक क्रैकन का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्रैकन से। Work. Marked a location. Enemies ahead!
तो दोस्तों इस वक्त हमारे 16 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, टेस्ट ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोगों ने दो क्रैकन के मैच कंप्लीट किए हैं, तो अभी और खेलेंगे। लेकिन फ़िलहाल डिवाइस के टेम्परेचर की बात करें, मुझे डिवाइस बिल्कुल भी वार्म नहीं लग रहा। कैमरा वाली साइड पे थोड़ा सा गर्म ज़रूर हुआ है, बाकी टेम्परेचर मुझे काफ़ी कूल लगा इसका। परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉन्स्टेंटली काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं हमें, फाइट के टाइम्स में भी 50 और 55 के प्लस हमें कभी कभी मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेम रेट है। और अभी स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्रैकन का मैच। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो 35 मिनट्स हो गए हैं इस टेस्ट को और 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा खेल लिया है। अभी मैं आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। सो इस वक्त हमारी जो बैटरी है वो 55% पे है, लेकिन एग्जैक्टली 30 मिनट्स पे मैंने चेक किया था तो इसकी जो बैटरी थी वो 57% पे थी। तो ऑलमोस्ट अगर आप हाफ एन आवर गेमिंग करोगे 11-13% का आपकी बैटरी में ड्रॉप आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है हाफ एन आवर गेमिंग के लिए स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले देखने को मिला, और मैं आपको हाईलाइटेड गेम प्ले दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो सके कि फाइट्स के दौरान और हॉट ड्रॉप्स के दौरान आपको किस तरह के फ्रेम रेट्स मिलेंगे। फिर से दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेम रेट को मेंटेन किया, लेकिन हॉट ड्रॉप में कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स होते थे,
लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिक्स हो जाते थे। ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप Redmi Note 10 Pro यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें 60 FPS को इनेबल करके PUBG खेलो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एज़ ऑलवेज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।